वेलकम टू माय चैनल टीके नोवे। दोस्तों आज के वीडियो में हम दो टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि इंडिपेंडेंट टीवी पे जी के और कलर्स के सीरियल्स कब आने वाले हैं, क्या कारण है, और दूसरा कि सोनी ने जी टीवी को ख़रीदा है और किस कितने परसेंट पर ख़रीदा है, वो सारी जानकारी इस वीडियो में वीडियो से बने रहे। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना कोई शुरू नहीं, बिल्कुल फ्री है। तो चलिए शुरू करते वीडियो, जानते हैं कि क्या है कारण इन दोनों न्यूज़ का। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों जी के पैकेज को लेकर और कलर्स के। तो पहले खबर आई थी इंडिपेंडेंट टीवी की तरफ से कि दोस्तों इंडिपेंडेंट टीवी ने 22 तारीख का वादा किया था जी के चैनल चालू करने का, लेकिन नहीं हो पाए। फिर वैसी पुरानी दिक्कत की तारीख देने के बाद भी चैनल नहीं चालू हुए, और अब बात नई तारीख आ रही है दोस्तों कि 15 तारीख तक यानी कि 15 जून तक आपके कलर्स के पैक चालू होंगे, उसके बाद ही जी टीवी का पैक चालू होगा 30 तारीख तक। तो दोस्तों ये उनके एग्रीमेंट को लेकर दिक्कत चल रही है, जो भी है, जो कि तारीख दी जाती है फिर डेट बढ़ जाती है, जो कि इसके पहले भी ऐसा हो चुका है स्टार के पैक को लेकर, जो कि तारीख दे रहे थे और उस टाइम पर नहीं चालू हो रहे थे। तो दोस्तों अभी ये नई डेट आई है, देखते हैं क्या होता है जून के महीने में, और कई चेंजेस भी देखने को मिलेंगे। और अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि सोनी टीवी ने जी टीवी के पे मतलब 20% शेयर 13,000 करोड़ में खरीद लिए हैं, यानी कि कहीं ना कहीं अब सोनी टीवी का भी इन्वॉल्वमेंट हो गया जी के ग्रुप में, जो कि इसके शेयर खरीदने पर। तो दोस्तों सोनी ने जी के 20% 13,000 करोड़ में शेयर खरीद लिए हैं, और इसी पर बात करने के लिए अब 7 तारीख को जी टीवी और सोनी टीवी के बीच में एक मीटिंग है, जिस पर ये तय किया जाएगा कि जी टीवी के पर रेट क्या कम किए जाए। यानी हो सकता है, बहुत मुमकिन हो दोस्तों कि जी टीवी के रेट अब पहले से कम हो जाएंगे, क्योंकि इसमें इन्वॉल्वमेंट सोनी का भी हो गया, जो कि 20% उनके शेयर खरीद लिए हैं। तो इन दोनों की मीटिंग 7 तारीख को है दोस्तों, और इसी पर शायद हो सकता है इंडिपेंडेंट टीवी का एग्रीमेंट हो के भी चैनल्स नहीं चालू हो पाए थे, और अब नए रेट के हिसाब से एग्रीमेंट हो चैनल्स चालू होंगे। तो दोस्तों इससे तो लगता है कि अब जी टीवी के इम्प्रूवमेंट के लिए सोनी टीवी आ गया है और उसने इसके 20% शेयर परचेस किया है, और इनकी मीटिंग है और रेट तय किए जाएंगे कि किस तरह से इसको टीआरबी में आगे लाया जाए जी चैनल्स को। और बात कर लेते हैं दोस्तों कि क्या इंडिपेंडेंट टीवी अपनी सर्विसेज चालू रखेंगे या बंद कर देगा। तो इसका एक सबूत ये भी दोस्तों मिला है कि अभी रिसेंटली उसी दिन पहले इंडिपेंडेंट टीवी ने 3 नए ट्रांसपोंडर के लिए एप्लीकेशन दी है। ट्रांसपोंडर क्या दोस्तों, ट्रांसपोंडर चैनल्स को बढ़ाने के लिए होता है, जो कि 3 ट्रांसपोंडर की एप्लीकेशन दी हुई है इंडिपेंडेंट टीवी ने, ताकि वो अपने चैनल्स को इम्प्रूवमेंट कर सके और चैनल्स बढ़ा सके। अभी उसकी कैपेसिटी बढ़ाने की नहीं है, इसीलिए न्यू ट्रांसपोंडर के लिए एप्लीकेशन दी है, जिसमें आपको 150 से 180 चैनल्स की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, अगर ट्रांसपोंडर को मंजूरी मिल जाती है तो, क्योंकि बिना मंजूरी के ये चैनल्स नहीं बढ़ा सकते। तो इसी को देखते हुए लगता है कि इंडिपेंडेंट टीवी अपनी सर्विसेज तो बंद नहीं करेगा, आगे इम्प्रूव करेगा, जो कि इस एप्लीकेशन से पता चलता है कि ये न्यू 3 ट्रांसपोंडर के लिए एप्लीकेशन दी हुई है, जिससे कि चैनल्स की बढ़ोतरी होंगी। तो ऐसा नहीं लगता कि ये अपनी सर्विसेज बंद करेगा। हाँ, दिक्कत ज़रूर आ रही है कि चैनल्स में आपका एग्रीमेंट होने के बाद भी पेमेंट नहीं दे पा रहे, और फिर उसको डेट बढ़ जा रही है कि इस तारीख को चैनल चालू होंगे, उस तारीख को होंगे। तो अब देख लेते हैं जून महीने में कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे इंडिपेंडेंट टीवी में भी, और जी के पैकेज में भी आपको रेट कम मिलेगा, और ट्राई के न्यू रूल्स के हिसाब से भी 1 तारीख यानी कि जून से ही आपके चैनल्स में काफ़ी कमी देखने को मिलने वाली है दोस्तों। तो आज के वीडियो में यही दोनों जानकारी देना था कि चैनल्स के ऊपर और सोनी टीवी ने जो जी के 20% शेयर लिया है उस पर। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना, नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स वॉचिंग माई वीडियो।